के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वो उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। ये सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वो घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी, जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वो नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वो सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी, पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे ये कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आईं और सभी यह कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, 13 सुहाग वही लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घड़ी भुकारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता
मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम? वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई, उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वो दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाई सा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था।